नमस्कार किसान दोस्तों, मेरा नाम मिथुन चौधरी, स्वागत है आप सभी को एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक फार्मूला शेयर करने वाले हैं जो कि आप अपने एक प्रोडक्शन यानी अगर आप बतख पालक कर रहे हो तो आपका जो एक प्रोडक्शन है उसको आप कैसे बढ़ा सकते हो। दोस्तों कभी कभी आप देखे होंगे कि जो बतख है वो कभी अंडा छोटा देती है, जैसे आप देख सकते हैं दोनों कंपैरिजन में, ये काफ़ी बड़ा साइज का है और ये काफ़ी छोटा साइज का है। तो ये जो छोटा साइज जब अंडा देती है बतख, तो उसके पीछे रीज़न यही होती है कि बतख में कैल्शियम का कमी हो जाता है। दोस्तों हमें कैसे एक बैलेंस फीड तैयार करना है ताकि मुर्गी को प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ साथ कैल्शियम मिले, ताकि जो भी अंडा देने का साइज या फिर अंडा का जो छिलका सही से नहीं बन पाता है उसको आप ठीक कर सके। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस करना, ताकि दोस्तों मैं फ्यूचर में जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो नमस्कार सर, सबसे पहले आप थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम तुषार चटर्जी है। अच्छा, तो सर जैसे बतख अंडा छोटा दे रही है या फिर अंडे का जो छिलका है वो सही से नहीं बन पा रहा है, तो उसको मैनेज करने के लिए आप क्या फीड देते हो, उसके साथ क्या क्या मिलाते हो, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। तो जब आपका बर्ड लेयर पे आ जाता है, मतलब अंडा देने पे आ जाता है, तो उसको लेयर फीड खिलाना होता है। तो अभी हम फिलहाल खिला रहे हैं लेयर, ये स्काईलार्क का। अच्छा ठीक, स्काईलार्क का लेयर, उसके साथ मेरे यहाँ पे धान अवेलेबल है तो इसलिए हम धान खिलाते हैं। तो अगर आपके एरिया में जो नया फार्मर स्टार्ट करना चाहते हैं उसके एरिया में अगर धान अवेलेबल है तो धान खिला सकते हैं, या तो वो आप गेहूं का जो दर्रा होता है, ठीक है, गेहूं को चूरा करके वो दर्रा और फीड आपको देना है मस्ट। तो 60-40 रेशियो में करना है, 60% आप फीड और 40% धान या तो गेहूं का दर्रा आप मिला के दे सकते हैं। अच्छा, मतलब 60% जो लेयर में इसका जो फीड है, लेयर फीड है उसको 60% देना है, और जो भी धान वगैरह है वो 40%। ठीक है, तो इसको जैसे हम ले लिए 60-40 के रेशियो में, तो एक बतख के लिए एक दिन में वो कितना फीडिंग, एक बतख, एक लेयर बतख, मादा जो बतख होता है जो अंडा देती है, उसको 120 से 140 ग्राम फीड आपको देना होगा। अच्छा, अगर आप 120 से 140 ग्राम फीड नहीं खाती है वो, तो आपको वो प्रॉपर अंडा नहीं देगी। अच्छा, तो 120 से 140 ग्राम देना होगा। अब जब वो अंडा देती है ना, तो उसको कैल्शियम चाहिए होता है, तो अभी जो डक्स है उसको ज्यादा मात्रा में कैल्शियम चाहिए पोल्ट्री के हिसाब से। अगर आप पोल्ट्री को सिर्फ ये फीड देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एक्स्ट्रा से कैल्शियम नहीं खिलाना होगा। एंड अगर आपके एरिया में अगर आप डक फार्मिंग कर रहे हैं, आपके पास अगर डक लेयर मिल अवेलेबल है, डक लेयर स्पेशली, तो डक लेयर ज्यादा तक नहीं मिलते, अगर आपको अवेलेबल है तो आपको कुछ नहीं देना है। और अगर डक लेयर अवेलेबल नहीं है तो आप पोल्ट्री फीड साथ में, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो है मेरे पास कैल्शियम है, ठीक है, ये ऑस्टोवेट है, ऑस्टोवेट, ये वाइमरल है, वाइमरल है। तो इसका क्या वो है, वेट है? तो ये 5 लीटर का डब्बा है, साथ में आप इससे वाइमरल मिला सकते हैं। ये 300 ml इसमें मिलाना है, इसमें मिलाना है, आप इसको 300 ml इस डब्बे में मिला के रख दीजिएगा, ठीक ठीक, पूरा मिक्स करके अच्छे से। अभी जैसे मान लीजिए मेरे पास 220 बतख है, तो मैं इसको सुबह 50 ml, शाम को 50 ml पानी में मिक्स कर, पानी में 10 लीटर पानी में 50 ml करके मिक्स कर देता हूँ सुबह शाम, मतलब दिन का 100 ml। आप एक बार में भी 100 ml दे सकते हैं, या तो दो टाइम, मतलब खाना देते हैं तो दो टाइम 100 ml, मतलब 50-50 करके 100 ml दे सकते हैं आप। अच्छा, अच्छा। तो इससे क्या होगा, आपका जो छिलका होगा अंडे का वो थोड़ा सख्त हो जाएगा, टाइट होगा, टाइट होगा, उसको कैल्शियम का अभाव नहीं होगा, जो हैचिंग रेट है तो हैचिंग रेट भी अच्छा आएगा। कभी कभी आप देखेंगे जो बतख अंडा देती है तो उसका अंडा कबूतर जैसा आता है, छोटा छोटा आता है, तो उसको कैल्शियम के अभाव से होता है। तो अगर आप कैल्शियम आपको देना पड़ेगा मस्ट, जितने दिन वो अंडा देगी उतने दिन तक आपको कैल्शियम देना होगा, ऐसा नहीं है लगातार देना है, लगातार देना है, रोकना नहीं है, नहीं रोकना नहीं है। अच्छा ठीक है, तो जैसे ये फीड के साथ ही इसको मिक्स करना है या फिर इसको अलग से पानी में देना है? नहीं नहीं नहीं, पानी में मिला लेना है। कभी भी बतख को अगर आप किसी मेडिसिन दे रहे हैं, ठीक है, तो वो कभी भी पानी में मत दीजिए, क्योंकि वो पानी ज्यादा वेस्ट करते हैं, तो मेडिसिन उसके शरीर में नहीं जाता। अच्छा अच्छा, तो आप पानी में मिला के, पानी में घोल लीजिए, फिर उसको वो पानी से आप फीड को मिला लीजिए। अच्छा, तो मतलब जैसे 60-40% फीड है, और जिस पानी में हम लोग उसको दवा को मिलाए मेडिसिन को, उस वही पानी से इस फीड को हम लोग मिक्सअप करेंगे, मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा, वो प्रॉपर आपका अंडा जाएगा। अच्छा, और हो सके तो हफ्ते में 2 दिन आपको जो लीवर टॉनिक है, अच्छा, लीव 52 हिमालय का आता है, वेटरनरी वाला, सस्ता होता है, अच्छा होता है, तो लीव 52 हफ्ते में 2 दिन, और डेली आप लोग कैल्शियम दे दीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो लीव 52 वो किस मात्रा में देना है? लीव 52 आप वही 10 ml दीजिए, 100 वाट में, 100 वाट में 10 ml, तो वही फीड में ही मिलाना है उसको। हाँ, फीड में मिला दीजिए, कैल्शियम वाला जो फीड, कैल्शियम जिसमें मिला रहे उसी में मिला, कैल्शियम के साथ आप कुछ भी मेडिसिन मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक चीज होता है, कभी कभी इनका जो, मतलब बतख जो लंगड़ाता है, ठीक है, लंगड़ाने का वीक आता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक सिरप होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये है पॉलीबियन। अच्छा, तो अगर आपका बतख कम लंगड़ा रहा है तो आप इसको
तीन दिन तक दे दीजिए पॉलीबियन 100 वर्ड में 10 ml पानी में मिक्स करके वो फीड के साथ मिला के दे दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, 3 दिन आप दे देंगे इसका लंगड़ाना कम हो जाएगा। अगर 3 दिन बाद कम नहीं होता है फिर 10 दिन बाद, 10 दिन बाद फिर से 3 दिन के लिए दे देना। अच्छा अच्छा, तो ये कम हो जाएगा। और ज्यादा अगर लंगड़ाता है तो उसके लिए न्यूरोबियन फोर्ट करके एक दवा है, वो टैबलेट होता है, 30 रुपए का आता है, 30 टैबलेट होता है। तो अगर आपका बतख कुछ ज्यादा ही लंगड़ा रहा है तो वो न्यूरोबियन फोर्ट आप दे सकते हैं। 220 बतख में मैं कम से कम 18 देता हूँ, इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। 18 टैबलेट पानी में मिला के दे दीजिए। अच्छा, अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये कुछ छोटा छोटा बीमारी है, ये मतलब नया फार्मर आएगा तो उसको लगेगा कि क्या हो गया है। तो ऐसा कुछ ज्यादा बीमारी नहीं होता, बतख में ज्यादा बीमारी नहीं होता है। तो ये सब छोटा मोटा बीमारी है, इसका इलाज भी छोटा मोटा ही है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा जानकारी दी हमारे ऑडियंस को, ताकि जितने भी फार्मर्स हैं, जो भी नए फार्मर्स हैं, उनको प्रोडक्शन में अच्छा मिले, एक प्रोडक्शन में अच्छा मिले, ताकि उनका प्रॉफिट भी अच्छे से जनरेट हो, आगे चल के उसको दिक्कत भी ना हो और कुछ बीमारी भी आ जाए। अगर इससे छोटा मोटा बीमारी है तो लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब कुछ हो गया है, ये लंगड़ा रहा है, अब क्या होगा, क्या करें। तो इसका सिंपल सा इलाज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोगों के लिए। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। दोस्तों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में दोस्तों बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना, ताकि दोस्तों मैं फ्यूचर में जब भी वीडियो ऐसे अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो किसान दोस्तों मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, जय किसान।